आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन ना करते हुए हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। केजरीवाल की रिहाई से हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि मामला मल्टी कॉर्नर्ड हो गया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब जैसा मजबूत नहीं, हम सब जानते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी को अब सारी उम्मीदें अरविंद केजरीवाल के करिश्मे से हैं। केजरीवाल मूलतः हरियाणा के ही रहने वाले हैं। हरियाणा में प्रचार का जिम्मा अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाला हुआ था। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर वोटर के बीच में पेश किया है। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई, टाइमिंग और सियासी अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बलवंत जी जुड़ रहे हैं, जो कि हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम सबसे अधिक करीब से हरियाणा को समझते हैं, हरियाणवी लोगों की मानसिकता को समझते हैं। बलवंत अक्षक जी, शुक्रिया एडीटीवी से बात करने के लिए। आज का ये डेवलपमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? जब वो जेल से बाहर आए हैं, हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन था, पर्चे वापसी का दिन भी निकल गया, सिर्फ प्रचार का वक्त बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में समझौता नहीं हुआ है, पांच कोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, ये इस तमाम डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं अवस्थी साहब ये कहूंगा कि केजरीवाल साहब जब जेल में थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली हुई थी। उन्होंने हरियाणा के कई दौरे किए, कई जगह जनसभाएं की। केजरीवाल साहब को हरियाणा का बेटा, खुद को हरियाणा की बहू और केजरीवाल साहब को शेर की उपाधि दी उन्होंने। लेकिन अब तक जितनी बार हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, किसी को सफलता नहीं मिली, बल्कि ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के समझौते से इस तरह की संभावनाएं बनी थी कि कांग्रेस ठीक स्थिति में है और आम आदमी पार्टी 5-7 जितनी भी सीटों में समझौता करेगी, आम आदमी पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले 20 सीटों की डिमांड की, फिर 10 सीटों की, और कांग्रेस 5 से आगे नहीं बढ़ी। राहुल गांधी की इच्छा थी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता हो। इसी मुद्दे पर फिर अपने बाबरिया साहब कांग्रेस की तरफ से और राघव चड्ढा साहब आपकी तरफ से बातचीत हुई, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ से कोई तल्ख बयानबाजी नहीं आई है। केजरीवाल साहब बाहर आ गए, हो सकता है 16 तारीख तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच में अगर दोनों पार्टियों के बीच कोई समझौता होता है और कहां कहां कौन कौन सी सीट मिलती है, तो वहां हो सकता है कांग्रेस के उम्मीदवारों को पर्चा वापस लेने के लिए कह दिया जाए। लेकिन ऐसी संभावना इसलिए नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार ये दोहरा चुके हैं कि हरियाणा में हमें किसी समझौते की जरूरत नहीं है, हम सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार रखते हैं और सत्ता में आने की हमें पूर्ण उम्मीद है। तो आम आदमी पार्टी की तो तमाम कैंडिडेट की लिस्ट आपने देखी है तक्षक साहब, 90 के 90 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को या कांग्रेस को? मैं ये समझता हूं अवस्थी साहब कि केजरीवाल साहब हरियाणा में भिवानी जिले के शिवानी क्षेत्र से हैं, जाति से वैश्य समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 सिटिंग विधायकों की जो टिकट काटी है वो तीनों ही वैश्य समुदाय से हैं। हो सकता है उनको ये लगता हो कि केजरीवाल साहब का इस चुनाव में गिरफ्तारी पर कोई सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं जी। तो वैश्य समुदाय तो शहरों में रहता है, शहरी क्षेत्रों में अगर सहानुभूति का कोई वोट मिलेगा केजरीवाल साहब को, तो मैं समझता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ब्राह्मण समुदाय, पंजाबी समुदाय और वैश्य समुदाय में भाजपा की पैठ है। अब केजरीवाल साहब जब बाहर आ गए और हरियाणा में 15-20 दिन दौरे करेंगे तो देखेंगे उनका रुख क्या होता है। वो भाजपा पर तो हमला करेंगे ही करेंगे, कांग्रेस पर हमला करते हैं या कांग्रेस का बचाव करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी तक आम आदमी पार्टी की स्थिति हरियाणा में मजबूत नहीं हुई थी, लेकिन धीरे 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 पार्टी मजबूत होती जा रही थी। बहुत से लोग आम आदमी पार्टी में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते कांग्रेस का थोड़ा सा पलड़ा जब भारी लगने लगा तो पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, जो कई बार चुनाव जीते हैं, 2 बार मंत्री रहे, उनकी बेटी चित्रा सरवारा, जो अनिल विज साहब से थोड़े से वोटों से आ रहे थे, ये सब कांग्रेस में आ गए। और आखिर में कुमारी शैलजा के वीटो की वजह से चित्रा सरवारा की टिकट कट गई है, निर्मल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय आम आदमी पार्टी के साथ कोई बड़ा चेहरा अगर कोई है तो राज्यसभा के सदस्य जो
डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं हरियाणा इकाई के अध्यक्ष, वो ही एक बड़े चेहरे हैं। बाकी पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह कुछ दिन पहले भाजपा से नाराज होके जी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकट मिली। तो आपको ध्यान होगा अवस्थी साहब, छत्रपाल सिंह ने जब पहला चुनाव लड़ा तो जी उप प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी देवीलाल को उन्होंने शिकस्त दी थी और पहला चुनाव था उनका। इसके बाद फिर वो विधायक बने, भाजपा में आए, लेकिन भाजपा ने 10 साल में उनको जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी में शामिल होके बरवाला से वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा चेहरा वो भी है। जी लेकिन सारा दर्शक कुछ डिपेंड जी करेगा दर्शक कि साहब हरियाणा में दौरे करते वक्त मोटे क्या वो मोटे दर्शक साहब भाजपा को मोटे बरवाला मोटे तौर पर बात करें जनरलाइज टर्म में, तो क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ज़्यादातर सीटों पर, शहरी सीटों पर भाजपा का नुकसान करेगी जैसा कि आपने कहा, तो ग्रामीण सीटों पर क्या वो कांग्रेस का नुकसान नहीं करेगी? जैसे विनेश ग्रामीण भो क्षेत्रों जैसे फॉर में एग्जाम्पल विनेश की सीट, विनेश के जब विनेश यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठी हुई थी, पहलवान जब धरना दे रहे थे, तो आम आदमी पार्टी के नेता गए उनसे मिलने गए, लेकिन वहां उनके खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट दे दिया उनकी सीट पर। मैं अवस्थी साहब आपको ये कहूंगा कि चुनाव जो है ना भावनाओं से जीते जाते हैं, और विनेश फोगाट के साथ ना केवल हरियाणा बल्कि देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विनेश फोगाट जुलाना में उसकी अपनी ससुराल है, जाट समुदाय से हैं, और उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो सब लोगों ने देखी हैं। वो भले ही कुछ करने की स्थिति में ना हो, लेकिन जिस दिन मशीन का बटन दबाने की बात आएगी तो विनेश फोगाट को जो उसके साथ ज्यादती हुई, या जो ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल नहीं ला सकी, वो लोगों ने तो अपने मन से उनको गोल्ड मेडल दिया हुआ है। और कांग्रेस भी जानती है इस बात को कि विनेश फोगाट के प्रति लोगों की सहानुभूति है और वो चुनाव जीत सकती हैं, इसीलिए उनको पार्टी में शामिल भी नहीं किया और वो तो शामिल समझ होने में आता है, दिया। पर आम आदमी पार्टी की राजनीति पर क्या टिप्पणी करेंगे कि यहां तो प्रोटेस्ट में साथ थी, वहां उनके सामने कैंडिडेट दे दिया जुलाना में? मैं बता रहा हूं, उम्मीदवार दे दिया, लेकिन चुनाव या तो हवा से जीते जाते हैं। 10 साल भाजपा की सरकार रही है, थोड़ा बहुत लोगों में नाराजगी भाजपा के प्रति होगी, और जुलाना एक ऐसी सीट है जहां से भाजपा ने कभी चुनाव अवस्थी साहब जीता नहीं है। जी वहां या तो चौधरी देवीलाल की पार्टी चुनाव जीतती रही है या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार ठीक से लड़ते रहे हैं। ज्यादातर उस सीट पर ज्योति देवीलाल की पार्टी ने उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन चूंकि दो पार्टियां होगी, इनेलो अलग हो गया, जसपा अलग होगी, देवीलाल के परिवार की भी ताकत कमजोर हुई है, ऐसी सूरत में कांग्रेस ने विनेश फोगाट पर जो दाव खेला है वो मैं समझता हूँ दाव ठीक है। अब ये मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वो किसको तो पसंद करते हैं। तक्षक जी, तो एक एक चीज एक क्विक कमेंट चाहूंगा मैं। पांच पार्टियां हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, भाजपा अलग है, जेजेपी और उसका गठबंधन है, आजाद समाज पार्टी का, आईएनएलडी और बीएसपी का समझौता है, आज तो गोपाल कांडा भी उस तरफ चले गए जो खबरें आ रही हैं, और अब एक आम आदमी पार्टी है। तो इस पांच कोणीय मुकाबले में सबसे फिसड्डी पार्टी, सबसे कम सीटें किसको आएंगी? देखिए, सबसे कम सीटें मेरे ख्याल से जननायक जनता पार्टी, जो 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में मिलकर चली है, उनके प्रति लोगों में, जाट समुदाय में नाराजगी है कि आपने भाजपा का समर्थन करके जो फैसला हमने दिया था उस फैसले को आपने उलट दिया। जी इस चुनाव में सबसे ज्यादा खामियाजा जननायक जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये कोई पांच कोणीय मुकाबला नहीं है अवस्थी साहब। हरियाणा में सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। उस लड़ाई को तिकोनी करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अच्छा अभी लड़ाई सीधी है दोनों पार्टियों के बीच में।